होमवर्क लिख लो, एक होमवर्क लिखो फटाक से फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, जो जो बोल रहा हूँ वो लिख लो, लिखो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कि 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, लिख लो, मतलब लिख के लाना। तीन जगह होगा, नॉर्थ अमेरिका में पूरे में, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, तीन प्लेसेस है। वर्ल्ड कप की चीज़ें फीफा, कल था ना फाइनल 2026, क्या कोटा आई थिंक थी एक। बिल्कुल हाँ, अभी शांत रहो, ठीक है, 2026 चार साल में एक बार होता है। ओके, फर्स्ट वाला का कौन जीता था, यूरो, लिख लो, 1930 यूरो के वॉन फर्स्ट वर्ल्ड कप। मैक्सिमम टाइम्स किसने वॉन किया, ब्राजील, फाइव टाइम्स, ब्राजील फाइव टाइम्स। सेकंड मैक्सिमम किसने किया, इटली, फोर टाइम्स, और साथ में जर्मनी भी लिख सकते हो, क्योंकि जर्मनी में वेस्ट जर्मनी ने तीन बार किया था और एक बार जर्मनी ने खुद, तो इटली आएगा वैसे इसका आंसर, अगर दो हो तो जर्मनी में डाल देना, ठीक है। अब एक चीज, अभी जो अभी के बंदों को जो मिला है, मैसी को लिख लो, गोल्डन फुटबॉल मिली ना शायद उसको, गोल्डन, अबे नहीं, फुटबॉल में क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन फुटबॉल ही है, गोल्डन बॉल कहते हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड, राइट राइट राइट, गोल्डन बॉल, नहीं अभी जो कल मिला है उसको, जो 2014 में मिला है, और अभी बस दो ही, बस यही प्लेयर इसको दो बार मिला है, मैसी गॉट टू टाइम्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, काफी है अभी के लिए, तो ना इसको ध्यान में रखना बस। मैटर इन अवर सराउंडिंग, द चैप्टर नेम इज मैटर इन अवर सराउंडिंग। हाँ भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर आर देयर, कौन कौन से ये बताएगा, तुम इलेवंथ में हो क्या यार, तुमने तो डुबा रखा है इलेवंथ में, कितने टाइप के मैटर है, पांच होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, लिख लो, वैसे तीन होते हैं नॉर्मली जो सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा सीडीएस में तो पांच लिखना आंसर, लिख लो, देयर आर फाइव फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, फिफ्थ इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा प्लाज्मा, ये जो आपके सेफल ट्यूब्स में होता है, प्लाज्मा चलता है उसमें, ठीक है, एज वेल एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर। देखो यार क्या हुआ, पहले जो लोग थे उन्होंने बोला, साइंटिस्ट धीरे धीरे पता लगा कि भाई एट द एंड जो एटम वाला पार्ट है, एटम बहुत लेट है, इससे पहले लोग लगता था एवरीथिंग इज अराउंड अस मेड अप ऑफ मैटर, क्या एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, लाइक हमारी बॉडी किससे बनी एट द एंड, सेल से, तो लोगों को ऐसा लगता था कि हमारी जो पूरा नॉन लिविंग थिंग्स है बेसिकली वो किससे बनी हुई है, मैटर से, ठीक है, पदार्थ, लेकिन बाद में पता लगा कि मैटर ही नहीं, मैटर से भी छोटी यूनिट है जिसको परमाणु बोला गया, एंड दैट इज एटम। फिर बाद में आया कि भाई एटम भी लाइक डिविजिबल है, और एटम में कितने पार्ट होते हैं, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है भाई, इस टाइप से कहानी बनी, लेकिन अभी मैटर के बारे में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी वो लाइक सेकंड थर्ड चैप्टर में आएंगे यहाँ पे, फिर बात करते हैं उसके बारे में। तो मैटर, ठीक है, एवरीथिंग मेड लाइक मेड अराउंड अस ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड, जैसे ये है, ठीक है, मैटर से बनी हुई है, एयर में मैटर के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड भी मैटर के पार्टिकल से बनी हुई है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन तीनों के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता क्या है, किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, किसमें कम होती है, किस पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होते हैं, किसमें कम होते हैं, राइट, जैसे सॉलिड है, सॉलिड एकदम चिपका चिपका मामला है, यानी इनके बीच में स्पेस कम है, आप पानी में हाथ डाल सकते हो, क्या मैं इसके अंदर हाथ डाल सकता हूँ, नो, क्योंकि इसमें स्पेस कम है, पानी में थोड़ा सा है, और गैस में तो लाइक हवा में तो कहीं भी घुमा लो, राइट, देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस, समझ आ रही कहानी, तो ये सब पढ़ेंगे। तो लिख लो कि मैटर जो है, मैटर जो बना होता है, देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कैसे पता लगा मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, देखो पानी होता है, पानी में आप नमक मिलाते हो, नमक गायब हो जाता है, कहां चला गया, हो स्पेसेस में चला गया, जो लिक्विड में स्पेस था, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, उसके बीच में चला गया, तो पता लगा लोगों को मैटर जो है पार्टिकल का बना हुआ है, क्योंकि उसमें गैप है बीच में, फाइन। अगला है आपका
कि लिख लो इसकी क्वालिटी लिखवा रहा हूं मैटर्स की अलग से, लिखो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आईज, ठीक है। अब फटाक से एक हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नहीं कैरेक्टरिस्टिक लिखवाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पहले उस कैरेक्टरिस्टिक जो समझना है बताना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है इनके बीच में, बिल्कुल होता है, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है। लिख लो नंबर वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जब भी मैं इसकी बात कर रहा हूं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, इस इन तीन चीजों को याद रखना, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, राइट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के ये जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, इन तीनों के बीच में स्पेस होता है, सही बात है। सॉलिड में कम होता है इसलिए पास पास होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है इनकी, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम, समझ आ रही है कहानी। लेकिन हर एक में स्पेस है, इतना याद रखना, देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है भाई। लिख लो सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, मूविंग होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली, सॉलिड में एकदम नेग्लिजिबल मूवमेंट होती है, राइट। रबर बैंड, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, लिक्विड है, स्ट्रेच हो जाता है, पार्टिकल्स को अलग कर दिया मतलब कि मूव कर दिया वापस उसी पोजिशन में। मूविंग से क्या मतलब है, देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक आइस है, आइस क्यूब है, ठीक है, क्या है, आइस क्यूब, सॉलिड होता है, आपने इसको बॉयल किया लिक्विड बन जाता है, बन जाता नहीं बन जाता, ऐसा क्या हुआ, जो पार्टिकल्स हैं उनमें हीट जाने के बाद वो वाइब्रेट करना शुरू होते हैं, और एक टाइम आता है कि इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर देते हैं कि वो अपनी पोजीशन छोड़ बैठते हैं, और छोड़ बैठते हैं तो वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है एंड दैट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। और ज़्यादा हीट देंगे तो वो लिक्विड की प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में, वेपर बन जाएंगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग। एक और कहानी है, अगरबत्ती का एग्जाम्पल, अगरबत्ती जलाते हो उस कमरे में, खुशबू आती है उस कमरे में, रीजन इज बीइंग वो मूव करते हैं विद टेम्परेचर, और भी ज्यादा मूव करेंगे, ये समझ आया क्यों, ठीक है। जैसे ठंडे खाने की जो स्मेल है वो कम आएगी, गर्म खाने की ज्यादा आएगी, कि वो ज्यादा मूव करेंगे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो लिख लिया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसमें एक कहानी लिखो कि कैसे मूव करते हैं, बेसिकली इंटरमिक्स करते हैं आपस में एक दूसरे के पार्टिकल्स में। लिखो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। हीटिंग इंक्रीजेज द डिफ्यूजन, समझाया। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल इज स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सबके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके। अब एक तीन कॉलम बना लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल की प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ऐसे कॉलम बना लो, बस दो लाइन की है, बनाओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, हारे क्या नाम है इसका, ये सॉलिड है, क्या है प्रॉपर्टी इसकी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, वेरी गुड, और पार्टिकल मूव नहीं होते, मतलब सॉरी मूव हो रहे हैं नेकेड आई से, नहीं सकते इस तरह से, और क्या है, दे हैव फिक्स्ड शेप, है ना, डेफिनेट बाउंड्रीज, राइट, कंप्रेस कर सकते हैं,
बहुत कम, एकदम ना के बराबर, नॉट कंप्रेसिबल, टूट जाएगा। गैस को तो कर सकते हैं कंप्रेस, नेचुरल गैस है ना। तो लिख लो इसके बारे में कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम चेंज थोड़ी कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा कम कर दो फोन को, थोड़ा सा फोन को ज्यादा कर दो, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। दे आर रिजिड। रिजिड मतलब अपनी शेप को चेंज नहीं करते जनरली। ओके, क्या नाम है इसका? सुधीर, सुधीर बोल रहा हूँ। रोहित, स्पॉन्ज देखा है? स्पॉन्ज वो तो शेप चेंज कर लेता है, क्या वो सॉलिड है? क्यों? उसके उसमें अंदर गैप्स होते हैं जिसमें एयर पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन यू प्रेस इट एयर पार्टिकल्स, एयर मूव्स आउट ऑफ द स्पॉन्ज। स्पॉन्ज देखा है ना? ओके, रबर बैंड जब स्ट्रेच करोगे तभी स्ट्रेच होगा, लेकिन उसके बाद छोड़ते के साथ ही क्या होता है, उसी पोजिशन में आता है जो उसकी एक्चुअल में होती है। समझ आ रही है? और क्या है? हाँ, चीनी होती है, चीनी आपने एक डब्बे में रखी, डब्बे की शेप ले ली, क्या वो सॉलिड हुई? चीनी भी सॉलिड है। रीजन इज बीइंग चीनी के जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल क्रिस्टल है वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो थोड़ी शेप बदल लेंगे, वो तो तुमने एक डब्बे में डाल दिया इसलिए फिक्स हो गया उनका मामला अलग। ओके, इंडिविजुअल लेवल पे जो क्रिस्टल्स ऑफ शुगर हैं दे आर हैविंग फिक्स शेप। समझ आ गई? एक्सेप्शंस है, नॉर्मल बता रहा हूँ ताकि समझ आए पढ़ोगे तो। ये लिक्विड के बारे में लिखो, लिक्विड लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप है ना। पानी को चाहे मैं कटोरी में डाल लूं, ग्लास में डाल लूं, जैसे जिस टम्बलर में डालूंगा वैसे उसकी शेप हो जाएगी। समझते हैं, नॉर्मल सी बात है। दे हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। पानी की वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगी, अगर एक लीटर पानी है चाहे मैं उसको ग्लास में डालूं, चाहे कटोरी में डालूं, किसी में भी डालूं, तो एक लीटर रहेगा, बस शेप बदलती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज, राइट। तो लिख लो क्या लिखा, दे हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, दे लिक्विड के बारे में लिखवा रहा हूं, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। मैंने बताया फ्लूइड किसे कहते हैं, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में भी, फ्लूइड किसे कहते हैं, जो बहे, जो फ्लो कर सके उसे, जैसे एयर एंड वाटर, तो इट इज ऑल्सो फ्लूइड। दे आर कंप्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल, लिक्विड हैव कंप्रेसिबिलिटी। ओके, डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग किसमें सबसे ज्यादा होगी, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में? गैस में है ना, क्योंकि एयर इज अ मिक्सर ऑफ सो मेनी गैसेस। यस और नो? समझ सी बात है। गैसेस स्टेट, गैसेस के बारे में लिखो, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। इतनी कंप्रेसिबल होती है कि हम उनको स्टोर कर लेते हैं। कंप्रेस करना इज बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेस, देखो कंप्रेस मतलब प्रेशर डालना। जैसे कि देखो ये कोई इंजेक्शन है, तुमने कभी बचपन में करा भी होगा, कराए रहे ये सुई वाला सिस्टम, ये पिस्टन है ना, इंजेक्शन देखा होगा ऐसे करते होगे तुम, ऐसे है ना, तो ये मामला है, उसको एकदम एंड तक ले आते होगे जब तक वो कभी मामले खराब ना हो जाए, इंजेक्शन ही बेकार ना हो जाए है ये सब ड्रामा सब करते हैं, राइट। जब खाली होता है ज्यादा अंदर तक जाता है, जब पानी होता है तो थोड़ा कम जाता है ना, लेकिन मूव कर सकता है, सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं कर रहा, टूट जाएगा। समझ आ रही है? तो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। क्या होता है कंप्रेस का मतलब, देखो आप किसी चीज पे प्रेशर डालोगे ना, यानी कंप्रेस कर रहे हो और साथ में उसका ना टेम्परेचर ठंडा करते रहो, क्या करते रहो, टेम्परेचर ठंडा करते रहो, वो कंप्रेस हो जाएगी और वो फॉर्म चेंज कर लेगी। गैस पे प्रेशर डाला, ठंडा करा, कंडेंसेशन हुआ, पानी बन गई, जैसे सिलेंडर में देखा हो, इलाके देखो सिलेंडर को पानी से आवाज आती है, कंप्रेस्ड है गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड में एकदम, सीएनजी का सिलेंडर लिक्विड जैसा लगेगा जब अंदर आएगा, और जैसे हल्का सा कभी ना कभी देखना, कभी तुम रेगुलेटर हटाना, वो जो उसका जो सीक होती है देखी होगी,
क्या कहते हैं जो निडल नोजल होता है सिलेंडर का, वो कील से हल्का सा ऐसे प्रेस करना बिना फायर के, ठीक है? तो व्हाट विल यू सी, लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर रिलीज फ्रॉम दैट एरिया, मस्त हवा आती हो मजे अचानक से। वैसे तिल्ली भी डर नहीं लगेगा, पूछो क्यों, आग लगी आप बंद कर दी सीधा आग गायब, लेकिन ऐसे करना मत। वैसे कल को आओगे मेरे पास, हाँ आ नहीं पाएंगे, कोई और ही आया, चलो बेटा ठीक है। तो लिख लो कि क्या लिखा है इसमें, गैसेस में ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम द गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट, द गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग सॉरी डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। काफी है। अब एक कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं आइस का। हाँ रे हरिवंश बताएगा। ये एक बाउल है, ठीक है, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ बंसन बर्नर पे। नाम सुना है रे इसका, क्या नाम है रोहित? बंसन बर्नर, केमिस्ट्री लैब गए हो गए? ठीक है, इसमें आइस क्यूब्स हैं, ठीक है भाई हरिवंश, आइस क्यूब्स हैं। मैंने इनको आग लगा दी, ठीक है, क्या होगा, पानी बन जाएगा, है ना। मान लो कि ये बन गया पानी। अब मुझे तुम ये बताओ आइस का टेम्परेचर क्या होता है नॉर्मल, अगर पूछो तो 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो जस्ट ये पानी बन गया, इसमें क्या टेम्परेचर होगा इसका? जीरो से अबव होगा, जीरो से कम होगा, जीरो होगा या फिर 10 डिग्री से अबव होगा? जीरो। क्या टेम्परेचर बता दिया अनुराग ने, जीरो होगा। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? हिसाब से तो भैया होना चाहिए टेम्परेचर, क्योंकि गर्म हो रहा है ना, वेरी गुड। क्या है यहाँ पे जो बर्फ है, बर्फ है यानी आइस, ये पिघल रही। तो एक्सपेरिमेंट करा है साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा, थर्मामीटर यूज किया, थर्मामीटर टेम्परेचर नाम लिए काम आता है, ठीक है। तो थर्मामीटर यूज किया, उन्होंने देखा जैसे ही आइस सारी पिघल गई, एज सून एज ऑल द आइस गॉट मेल्टेड द टेम्परेचर रिमेन सेम 0 डिग्री। बोला ऐसा क्या हुआ भाई, हीट गई तो गई कहां, हीट भी है, मजाक थोड़ी चल रहा है, साइंस है, बिना रीजन के थोड़ी होगा। बोला हीट कहां चली गई, जब पानी का टेम्परेचर नाप रहे थे 0 डिग्री आ रहा था उस टाइम भी। तो पता लगा कि हीट गई किसमें, आपका सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में, वो छुप गई। मैंने बताया सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है, ज्यादा होती है। तो जब इसने जलाया उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में यूज हो गई, कम करने में यूज होगी, जो दिखी नहीं लोगों को, किस फॉर्म में दिखी, बस कन्वर्जन दिखा सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में। उसे बोला हीट छुप गई, हीट है लेकिन छुपी हुई है, उसे बोला लेटेंट हीट। क्या बोला? लेटेंट, छुपी हुई, लेटेंट मतलब छुपी हुई। अब लेटेंट ऑफ व्हाट, फ्यूजन, फ्यूजन होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग मतलब पिघलना, मेल्टिंग इज बेसिकली व्हाट, सॉलिड टू लिक्विड, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होना इज फ्यूजन ऑल्सो। समझ आ गई इतनी सी बात? ये देखो डायग्राम, देखो ओपन द बुक। तो बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में काम हुआ। अभी इधर देखो एक बात ध्यान से समझना। अब मैं एक पूछता हूं क्वेश्चन कि एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, किस वाले उसमें ज्यादा होगी, इस वाले पार्ट में हीट एनर्जी ज्यादा होगी, इस वाले पार्ट में हीट एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ
वाटर में क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है, यही कारण है। देखो अब इसका उल्टा देखो, अब मैं इसको और गर्म कर दिया तो पानी गर्म यानी वेपर किस स्टेज में बनता है? 100 डिग्री पे बनता, नहीं बनता? तो जब 100 डिग्री हुआ तो हमने देखा पानी का भी टेम्परेचर 100 डिग्री था और जो गैसेस बनी उनका भी 100 डिग्री ही था। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला गया, वेपर्स वेपराइजेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुई तो उसमें एनर्जी किसमें ज्यादा हुई, पानी में या स्टीम में? स्टीम। यही कारण है कि स्टीम बर्निंग ज्यादा खतरनाक होती है, ज्यादा उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। अगर आप एक हाथ दोगे स्टीम में और एक हाथ दोगे गर्म पानी में, ज्यादा जलन आपको स्टीम वाले में होगी, स्टीम बर्निंग खतरनाक होती है। समझ आया स्टीम बर्निंग क्यों खतरनाक है? उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। आई बात क्लियर हुई इतनी सी? दोनों अलग अलग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आ रही बात? तो लिख लो इसको हल्का सा कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। समझ आया? इज कॉल्ड फ्यूजन। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फ्यूजन बोल दिया इसको। इसमें लिख लो, वेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। सो वेयर डज द हीट गोज? इट इज बिकॉज, लिखो, ये नहीं लिखना, ठीक है, टेम्परेचर सेम बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आ रहा है भाई? व्हाट इज लेटेंट ऑफ मीन हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें लिख लो इसके बारे में कि क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। The amount of heat energy required to change one kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. अब ये भी लिखवा देते हैं किसमें ज्यादा एनर्जी है, लिख लो। सो द पार्टिकल्स ऑफ वॉटर एट 0 डिग्री, सो द पार्टिकल्स ऑफ वॉटर, वॉटर मतलब पानी, वेरी गुड। सो द पार्टिकल्स ऑफ वॉटर एट 0 डिग्री सेल्सियस have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. क्या रे, समझ नहीं आई? Very good. Particles at the same temperature. समझाया लिक्विड में क्यों ज्यादा एनर्जी? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है भाई उसके पास। सेम चीज लिक्विड से वेपर में हो जाएगी। तो लिख लो इसको बॉइलिंग कहते हैं उसको, ठीक है। इसको लिख लो कि लिखो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as boiling point. इसका boiling point ना, यहां से इसका boiling शुरू हो गई। समझ आता रहे क्या नाम प्रशांत? Boiling क्या होता है? उबलना, boiling, ठीक है। Boiling is a bulk phenomena. Boiling is a bulk phenomena. समझ आया? नहीं आया तो पूछूंगा मैं अभी। क्या होता है what do you mean by bulk phenomena? मतलब एक साथ हो जाता। What is difference between boiling and evaporation?
बॉयलिंग इज अ बल्क फिनोमेना और एवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। बता देता हूँ, आगे भी बता दूंगा क्या होता है। नॉर्मली सुन लो, कहानियाँ भी सुन लो। बॉयलिंग क्या होती है, देखो आपने एक टम्बलर लिया, कंटेनर, ठीक है। बताओ बॉयलिंग नहीं पता है बच्चों को अभी तक, तुम्हें पता है? मेरे को पता है पर गलती होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। आपने गैस ऑन करी और फ्लेम्स निकले, तो पानी में हीटिंग जा रही है, तो पूरे पानी का अगर चाहे तुम टेम्परेचर थर्मामीटर यहाँ डालोगे, चाहे यहाँ डालो थर्मामीटर, चाहे यहाँ डालो, टेम्परेचर सेम दिखाएगा। सिंपल सी बात, बॉइलिंग सही बताया तुमने कि भाई सारे पानी का टेम्परेचर सेम होगा, सारे पानी में आग लगी हुई है और सारे पानी से वेपर्स निकलेंगे। देखे ना पानी ऊपर उछाल मारता रहता है, देखा होगा जब पानी गर्म करते हो कि पूरे लाइक उनकी स्पीड बढ़ रही है, पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी आ रही है, राइट। अब एवापोरेशन क्या होता है, कपड़े सुखाए हैं कभी हैं? सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इस पे डिपेंड होता है आपका एवापोरेशन। एवापोरेशन बेसिकली इज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, बेसिक। अब वो किसी भी टेम्परेचर पे हो, बॉइलिंग का एक टेम्परेचर पक्का हो जाए वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, इसका एक टेम्परेचर, उससे पहले बॉइलिंग नहीं हो सकती। एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग से नीचे वाले पे, ठीक है। बॉइलिंग पहुंच नहीं रहा क्योंकि उस पर तो होगा ही होगा, वेपर बनेगा। एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, समझ आ रही इतनी सी बात? बॉइलिंग से नीचे क्यों बोला, क्योंकि बॉइलिंग पे तो वेपर बनेगा ही बनेगा, समझ आ रही इतनी सी कहानी? जैसे तुम कपड़े सुखाते हो, देखा होगा क्या उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, पानी तोड़ जाता है। तो होता क्या है एवापोरेशन में, जैसे ये सपोज पानी है, और पानी भी क्या, तुम देखो नॉर्मल बात बताता हूँ, सुना है ना समुद्र में एवापोरेशन होता है, पानी में, लेक्स में, रिवर्स में एवापोरेशन होता है, तभी तो पानी ऊपर जा रहा है, वाटर साइकिल, बारिश तभी तो हो रही है। होता क्या है, जैसे कोई बड़ी वाटर बॉडी है तो उसके अपर सरफेस वाला पार्ट, क्या उसका सरफेस एरिया क्या करता है, इतनी एनर्जी ले लेता है कि वो एवापोरेट हो जाता है, एनर्जी लेके इतनी उसका एनर्जी आती है कि विद टाइम वो एवापोरेट हो जाता है। ऐसे कैसे हुआ एवापोरेशन, चार चीज पे डिपेंड हुआ। अगर आपने देखा होगा नॉर्मल, जब आप चाय पीते हो, गर्म चाय होती है, आप क्या करते हो, एक बड़ी सी प्लेट में डालते हो, फैलाते हो उसको, जितना फैलाओगे उतनी जल्दी एवापोरेशन होगा। तो सरफेस फिनोमेना है, समझ रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे एवापोरेशन बढ़ेगा। कपड़े अगर ऐसे करके घुचुड़ पुचुड़ करके सुखा दोगे, लेट सूखेंगे, फैला के सुखाओगे जल्दी सूख जाएंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, समझ आ रही है। नेक्स्ट इज विंड स्पीड, जिस दिन हवा चलती है कपड़े जल्दी सूखते नहीं सूखते, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने बताया ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर सॉरी प्रेजेंट इन एयर। तो जब ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रिलेटेड नहीं, कोई भी, एब्सोल्यूट में भी यही होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, समझ आ रही है। तो होता क्या है, जैसे एटमोसफेयर है, इसमें क्या है ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। हवा चली, उस एयर को ही उड़ा के ले गई, तो क्या पता दूसरी एयर आई हो जिसमें ह्यूमिडिटी कम हो, तो इससे क्या होता है, देखो मैंने बताया था सैचुरेटेड एयर होती है एक, जिसमें इतने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आते हैं कि उससे ज्यादा नहीं लेगी, तो जो सैचुरेटेड एयर होगी क्या उसमें ऑपरेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे ले लेगी, नहीं लेगी, वो तो सैचुरेटेड है पहले से ही। तो विंड स्पीड चलने का ये फायदा होता है, मैंने बताया अक्टूबर हीट, हवा भी नहीं चलती, चिपचिप रहता है कि विंड चल नहीं रही है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, चिपचिप मौसम हो जाता है ना। तो जब हवा चलती है तो वो हैवी लेयर सैचुरेटेड एयर को ले जाती है और लेस सैचुरेटेड एयर को वहाँ पे रखती है, तो कंटिन्यूस मामला रहता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि कपड़े में से मॉइस्चर ऊपर जा रहे हैं। टेम्परेचर, धूप पड़ेगी अपने आप एवापोरेशन ज़्यादा होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। आया समझ में एवापोरेशन क्या है, व्हाई बॉइलिंग इज कॉल्ड बल्क फिनोमेना, कि पूरे पार्टिकल में एनर्जी लगी हुई है। एवापोरेशन सरफेस फिनोमेना में जनरली देखा होगा तुमने, बाहर कभी रखोगे कोई भी ग्लास या फिर कोई टब रखना पानी का, हल्का सा हाथ डालोगे ऊपर गर्म लगेगा, हल्का सा नीचे जाओगे ठंडा ठंडा फील होता है, हैव यू सीन दैट। सो दिस इज सरफेस फिनोमेना ऑफ एवापोरेशन, ये डिफरेंस एवापोरेशन और बॉइलिंग, बॉइलिंग में, समझ आया, ये कहानी है। तो ये कहां तक लिखा हमने, बल्क फिनोमेना, इज अ बल्क फिनोमेना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी
टू चेंज इनटू वेपर स्टेट. समझाया? तो लिख लो एक और चीज, स्टीम हैज मोर एनर्जी, बल्क एनर्जी टू इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट. अब फटाक से लिख लो, स्टीम हैज मोर एनर्जी देन लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर. व्हाई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. समझ आ रही कहानी? जो समझ आ रहा है लिख दो फटाक से. स्टीम हैज मोर एनर्जी देन द लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, देन द लिक्विड एट द बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो बेसिकली तुम लोगों को पता लग गया एक बात कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाती है. अगर हम सॉलिड को गर्म करेंगे वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगी. नॉर्मल बता रहे, टेम्परेचर का इफेक्ट पता लग रहा है. तो दिस इज टेम्परेचर. एक और होता है, कोई कोई सॉलिड होते हैं बिना लिक्विड स्टेट के सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में. उसे सब्लिमेशन कहते हैं. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन. क्या प्रोसेस है? देखो इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, ओपन दिस डायग्राम. उसमें देखो, फ्रॉम सॉलिड टू गैस जो कन्वर्ट हो रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है? सब्लिमेशन. दिख रहा है? जैसे आप नेफ्थलीन बॉल्स डालते हो सूटकेस वगैरह में, क्या पानी बनता है? क्या उनका गायब हो जाती है? कैम्फर, ठीक है, गायब हो जाती है फटाक से. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. इसके उल्टे को भी सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन नई बुक में आजकल डिपोजिशन दे रखा है. लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है तुम लोगों में डिपोजिशन. सब्लिमेशन भी वही होता है, चाहे इधर से उधर, उधर से इधर, एक ही बात है, लेकिन डिपोजिशन वो भी सही है. समझा कि क्रॉस के उसमें, क्रॉस मतलब ऐसे स्लैश डाल के सब्लिमेशन भी लिख सकते हो उसमें. ऐसा मत सोचना कि भैया गलत दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, यूपीएससी कभी गलत नहीं देती. ओके, सब्लिमेशन और क्या भैया? सब्लिमेशन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. समझाया? जैसे आप आपके आपने आइस को गर्म करा, पहले वो पानी बनी, लेकिन अगर आप नेफ्थलीन बॉल्स को गर्म करो सीधा ऊपर हवा में, कैम्फर सीधा कपूर हवा में, ठीक है, तो ये कहानी होती है, दिस इज सब्लिमेशन. तो टेम्परेचर से भी आप, मैंने बताया कि आपके बोल दो तो टेम्परेचर से भी आपकी स्टेट चेंज होती हैं. एक आता है प्रेशर से भी चेंज होती है. मैंने बताया कंप्रेस करते हैं, मैंने गैस को कंप्रेस किया अभी बताया था, ठीक है, और टेम्परेचर घटाता गया क्योंकि मेरे को कंडेंस करना है, तो लिक्विड बन जाएगा. लिक्विड को और करेंगे क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, ठीक है. बेस्ट एग्जांपल क्या है? ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हल्का सा भी हल्का प्रेशर रिलीज करते हैं ना उसमें ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का, या हवा निकलती है मस्त वाली. भैया वो जो ड्राई आइस होते हैं पानी बना लो एकदम, वो भी सॉलिड से लिक्विड वो बन जाते हैं ना गैस. कौन से? ड्राई आइस. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बोल रहा हूँ. सो वो बिकॉज ऑफ दिस थिंग बनी है वो, प्रेशर चेंज करने से. आप ये सीएनजी देख लो, लिक्विड बना रखा है हमने, है ना, प्रेशर चेंज करने से. तो काइंड ऑफ दैट थिंग, ये कहानी है. प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिडिटी बढ़ेगी पास में, यानी कि पास में आ रहे हैं आपके. देखो ऐसा समझने वाली बात है, पार्टिकल्स को हम पास में ला रहे हैं, तो जिसके ज्यादा पास होंगे वो लिक्विड के क्लोज आएगा, सॉलिड के क्लोज आएगा. क्लियर है ना बात? नॉर्मल सी, वेरी क्लियर. तो भैया मैटर्स की जो आप बता रहे हैं सॉलिड में मैटर्स होते हैं कि मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, नॉट सीन, बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में. जो सॉलिड है अब ये तो लग रहा है मूवमेंट हो रही है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है इनमें. जब हम गर्म करेंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं मैटर, फिर इसके इसके जो पार्टिकल्स हैं अपनी पोजीशन पे, और एक टाइम आता है कि वो हाथ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं. पार्टिकल्स में आपस में अट्रैक्शन होता है, लिखा है ना स्टार्टिंग में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो एक टाइम आता है कि वो अट्रैक्शन तोड़ के चले जाते हैं और उनका फिर क्या बन जाता है? स्टेट बदल जाती है, लिक्विड बन गए. एक टाइम आएगा कि एकदम ही छोड़ के चले जाएंगे, रैंडम घूमेंगे, ऐसे एयर में पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी घूम रहे हैं. कभी देखा है तुमने अंधेरे कमरे में एक हल्का छोटा सा होल है उसमें देखना, कभी सनलाइट आ रही हो उसमें छोटे छोटे वो दिखेंगे तुम्हें डस्ट पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स बेसिकली, तो रैंडमली घूमते देखे होंगे ये थोड़ी ऐसे एकदम ऐसे ऐसे कहीं भी जा रहे हैं ऐसे ऐसे कर. हैव यू सीन दैट? तो ये चीज है. एवापोरेशन में लिख लो, एवापोरेशन लिखो. द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर. समझ आया? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट पे तो होगा ही होगा, तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड एवापोरेशन.
इसमें एक लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, जैसे बॉइलिंग पे है, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, फटाक से टिक मार देना। ऐसे एवापोरेशन आता है, एवापोरेशन इज सरफेस फेनोमेना, लिख लो एवापोरेशन इज सरफेस फेनोमेना। इसके नीचे एक लाइन लिखो, द एवापोरेशन, द रेट ऑफ एवापोरेशन, द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विथ, द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विथ, नंबर वन एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, समझ आ रही है? जैसे जैसे सरफेस एरिया बड़ा होगा वैसे वैसे ऑपरेशन बढ़ेगा। नंबर टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, एवापोरेशन बढ़ेगा। नंबर थ्री डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी क्या होता है हिंदी में, नमी, नमी चिपचिपा होता है, समझ गए, तो वैसे वैसे बढ़ेगा। फोर्थ इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे जैसे आप हवा की स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होएगा, ले जाएंगे ना, एवापोरेशन बढ़ेगा। एक लाइन लिख लो अलग से, एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। देखो क्या होता है, तुमने भी देखा होगा गर्मियों में शाम को लोग छिड़कते हैं पानी आंगन में छत पे ताकि छत ठंडी हो जाए, क्यों? पानी क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब सराउंडिंग से करता है, जिस सराउंडिंग में होता है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया, वेपर बन गया, है ना, तो हीट तो एब्जॉर्ब हो गई, तो सराउंडिंग में जिसमें होगा वहाँ पे क्या ठंडा ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे एसीटोन डालते हो हाथ में, फिर पेट्रोल डालना, जब वो वेपर बन जाता है उसके हाथ में ठंडा ठंडा फील होता, नहीं होता, तो वाई, बिकॉज दैट सब्सटेंस टेकन द हीट फ्रॉम योर हैंड। पसीने आते हैं जब सूख जाते हैं ठंडा ठंडा फील होता, नहीं होता, पसीने क्या करते हैं आपके एवापोरेट हो जाते हैं, आपकी बॉडी की हीट ले जाते हैं, तो एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग बिकॉज दे टेक द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके लिख लो, बिकॉज दे टेक द हीट, तब मुंह लगाते तभी ठंडा फील होता है, ठीक है, डाइक्लोफेनेक पेन किलर, ठीक है। पांच स्टेट लिखवा दिए, तो ये कहानी थी पहले चैप्टर में भाई। सेकंड चैप्टर इसमें है मेन चीज, तो क्या कहानी होती है, देखो रे, मिक्सर होते हैं दो काइंड के, मिक्सर्स, मिक्सर यानी कि दो या दो से ज्यादा चीज जब मिली हो आपस में उसे मिक्सर कहेंगे, ठीक है, समझाया? इस क्लास में मिक्सर हो बॉयज एंड गर्ल्स, समझ आ रही है? मिक्सर, मिक्सर होते हैं दो टाइप के, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस नाम से बता रहा है, होमो यानी सेम थ्रू आउट द कंपोजिशन, मुझे देख के बताओ, नॉर्मली लाइक सोच के बताना, मैंने एक जार लिया उसमें पानी रखा, उसमें मैंने चीनी डाल दी और मिक्स कर दिया, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप लूँ या फिर यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप लूँ तो सेम ही तो टेस्ट होगी, इधर वहाँ पे कम थोड़ी फीकी लगेगी, वहाँ पे अलग फीकी लगेगी, यानी व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर, देन दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे नींबू पानी, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको होमोजीनियस मिक्सचर को और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, ठीक है, सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सर ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, हेट्रोजीनियस क्या होता है, जब ये उसका ना इसका उल्टा हो, फॉर एग्जांपल तुमने एक जार लिया उसमें मिट्टी डाली उसमें आयरन डाला, तुम उसको सेपरेट कर सकते हो आराम से, फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाए आराम से, अलग से आयरन आयरन अलग, तुमने एक बार उठाया ज़्यादा आयरन आया थोड़ी मिट्टी आई, ऐसा भी तो हो सकता है, तो काइंड ऑफ दैट थिंग। जैसे मिक्सर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है, अगर मैं यहाँ से कुछ बच्चे उठाऊं तो जरूरी नहीं है वहाँ पे लड़के भी आएंगे और लड़के एक साथ आएंगे, आधा जो भी है, क्या पता एक लड़का ही आ जाए, समझ आ रही कहानी? तो हेट्रोजीनियस में मामला ये होता है, एक कंपोजिशन सेम नहीं होती थ्रू आउट द मिक्सचर। लिख लो इसके बारे में हल्का सा, मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट
mixtures which have uniform composition throughout are called homogeneous mixture. Which have uniform composition throughout are called homogeneous mixture or solutions. क्या बोलते हैं इनको? और solutions ही बोलते हैं. heterogeneous लिख लो कि the mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform composition are called heterogeneous. और example बताऊं जो मिक्स नहीं होते आपस में, यानी कि जो मिक्स नहीं हो रहे आपस में ठीक से, जैसे ऑयल एंड वाटर है ना, तो ऑयल ऑयल अलग, पानी पानी अलग, कौन सा ऊपर तैरेगा, पानी या ऑयल? क्यों? ऑयल की डेंसिटी कम होती है पानी से. गुड, ठीक है. लिखो अब सॉल्यूशन के बारे में लिखते हैं. सॉल्यूशन पता है, समझ आ गया? सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड की भी होती है, जैसे पानी में एसीटोन मिला दो, नॉर्मल सी चीज, पानी में रुआब्जा मिला दो, मिक्स हो गया, ठीक है. तो बेसिकली लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, गैस लिक्विड सॉल्यूशन भी होती है, पानी में ऑक्सीजन मिली होती है तभी तो आपके जीव जंतु सांस ले पा रहे हैं पानी में रहने वाले, अदरवाइज कैसे ले पाते. और सॉलिड लिक्विड का तो पता ही, चीनी है ना, ये होती है. सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी होती है, जैसे अलॉयज. अलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ, व्हाट इज अलॉय ये बताएगा. अलॉय सुना है ना, हल्का फुल्का, जैसे ब्रोंज किसका अलॉय है, बस दो मेटल को मिला दो तो अलॉय बन जाएगा. दो नॉन मेटल को मिला दो अलॉय बन जाएगा. मेटल्स है, नॉन मेटल्स दोनों. अच्छा, जब मेटल और नॉन मेटल हो तभी अलॉय बनेगा. कैसे भी मिला सकते हो आप, एलिमेंट्स कैसे मिक्स कर, क्या एलिमेंट्स को मिक्स कर लेते. ये तो गलत बोल रहे हो. अपनी क्लास में कल जाना और अलॉय की डेफिनेशन पूछना. छपे छपाए क्वेश्चन उठ के आते हैं यहां से, छपे छपाए, सीधा लाइन उठाएगा, छाप देगा. ये देखो, इस डायग्राम से एग्जांपल छाप दिया उसने, अभी तो आगे और भी दिखाऊंगा. सीधा यूपीएससी को एनसीईआरटी के डायग्राम्स बड़े पसंद हैं, तो डायग्राम के एग्जांपल तो पक्का याद कर जाना, पहले बता रहा हूं. जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो, कितने याद करें, तो मिनिमम डायग्राम मस्टर डायग्राम, कि वो नहीं करो तो भैया फिर भूल जाओ साइंस में अच्छे मार्क्स आएंगे. साइंस सबका अच्छा जाता है, ये वहम है. ये देखो, प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता. जैसे ब्रोंज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है. ये ब्रोंज मेडल है, किसका अलॉय है? कॉपर का और टिन का, ठीक है. अलॉय में, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, और मेटल और मेटल. क्या कहानी पता लगी इससे, कि एक मेजर अमाउंट में मेटल होना ही चाहिए. ये नहीं है मिक्सचर ऑफ टू नॉन मेटल, गलत है. एक तो मेटल होगा ही होगा, एक मामला तो मेटल क्या होगा, मतलब एक जो भी, जो कितने से कुछ भी मिला दो, लेकिन एक जो होगा जिसमें मिला रहे हो आप मेजर क्वांटिटी में, वो बंदा मेटल होगा, इतना याद रखना, तभी अलॉय बनेगा. ये नहीं कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया, बोला अलॉय बना दिया. अब समझ आ रही है? अब पता लगा गलत बोल रहे थे, तो ये कहानी है. तो दिस इज द केस. अब सुनो, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, पहली डेफिनेशन, और अ मेटल एंड मेटल, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसको अलॉय बोलेंगे. अगर मैं आयरन कॉपर को मिला दूं, वो भी अलॉय है, क्यों? दो मेटल मिल गए. मेटल बताएंगे अच्छे से और क्या होता है मेटल्स. अभी इतना समझो कि मेटल जो तुमने देखे हैं, जिसमें टन टन आवाज आती है, हार्ड सब्सटेंस, सोनोरस साउंड, लस्टरस चमकने वाले, आयरन. मेटल जब बोलो, आयरन का नाम आना चाहिए दिमाग में, अभी के लिए. जब समझाऊंगा और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो ये कहानी है. कुछ प्रोपोर्शन नहीं होता, बोला ना, मेजर अमाउंट में मेटल, एक जो एक होता है वो मेजर. देखो बनाया ना मैंने, ये मेजर अमाउंट में क्या होता है, देखो जैसे हम पानी है, नींबू पानी है, पानी ज्यादा होता है, आप नींबू थोड़ा डालते हो, तो वही है मेटल वाला प्रोपोर्शन जो होगा, जो एक मेटल तो है ही ना, वो ज्यादा होना चाहिए.
ओके, जैसे कि आपका ब्रोंज होता है उसमें कॉपर होता है 88% और टेन होता है 12%, जैसे 88 ये 12, लिख लो इसको भी, तो लिखो फैक्ट, लिखो सीधा, ब्रोंज इक्वल्स टू कॉपर एंड टेन, कॉपर प्लस टेन, ठीक है, और ब्रास, ब्रास किससे बना होता है, कॉपर जिंक, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज से, तीन नाम है, सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये तीन नाम है, इनके बारे में आता है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आता है, क्वेश्चन बनता है सीधा, टॉपिक उठा लेते हैं सीधा, लाइन चिपका देते हैं उसमें। अब लिखो सीधा, लो सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन पता है, होमोजेनियस मिक्सचर, मैंने बताया स्टार्टिंग में, लिख लो, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, इधर देखो एक बार, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट, ठीक है, मैंने इसमें क्या डाल दी, चीनी है, पानी है, ठीक है, तो चीनी है तो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन, चीनी कम अमाउंट में डालते हैं नॉर्मली, पानी ज्यादा होता है ना, तो जब भी सॉल्यूशन में दो पार्ट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, क्या नाम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में, यानी कि शुगर, जो शुगर मैंने डाली वो सॉल्यूट हो गया, तो कोई भी सॉल्यूशन किससे बनती है, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, समझ आ गई, ये होता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, आती है समझ में, बेसिक है, लिख लो इसको, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके, प्रॉपर्टीज लिखो सॉल्यूशन की, पहली प्रॉपर्टी इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, क्या मतलब है इसका हरिवंश, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो इससे क्या मतलब समझते हो, यानी जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम हो, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोपोर्शन उसकी कंपोजिशन सेम हो, ठीक है। सेकेंड लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, बिना माइक्रोस्कोप के आप उसके पार्टिकल नहीं देख सकते, ठीक है। अब इससे क्या पता लगता है, देखो रे तुम बताओ, नॉर्मल पूछ रहा हूं, साइंस ही तुम्हारे पास कब तक, मून क्यों चमकता है, है ना, यानी उसकी लाइट नहीं है, सन से रिफ्लेक्ट हुआ लाइट आ गई, तो हमें ये क्यों दिख रहा है, ये हमें एसी वगैरह क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करके अगर मैं बंद कर दूं दिखना बंद हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े बड़े अमाउंट में इनके सब्सटेंस है। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल बहुत छोटे हैं, अगर मैं लाइट मारता हूं स्कैटर नहीं करते वो लाइट, रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसका कारण क्या होता है, हमें जब मैं सॉल्यूशन लाइट मार रहा हूं ऐसे करके तो लाइट नहीं दिखेगी, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, देखेगी कैसे, समझ आ रही है, पार्टिकल्स इतने छोटे हैं तो वो आंखों से नहीं दिख रहे, बेचारी लाइट को भी नहीं दिख पाते, तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, बड़े पार्टिकल्स में करेगी लाइट, इतना समझ आ रहा है, छोटे एयर पार्टिकल दिख रहे हैं नहीं, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन है ना, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे मामला, तो दिस इज द केस, जब उनको नॉर्मल अच्छे से देखेंगे तब जाके दिखते हैं बेचारे, लेकिन वो सॉल्यूशन वो अलग पार्ट है, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों दिख रहे हैं जब वो जब अपने अंधेरे में, अगर जो देखा होगा तुमने अंधेरे में सनलाइट आती है जब कभी भी खिड़की वगैरह से, तुम देखते हो आराम से वहाँ पे पार्टिकल दिखते हैं, तो ये कहानी है जब पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं तभी लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, तभी वो दिखेंगे, वो डस्ट है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अलग है, वो सॉल्यूशन नहीं, बस एक बता रहा था कि कैसे लाइक क्या हुआ, जब पार्टिकल्स बड़े हैं तभी लाइट स्कैटर होगी, तो लिख लो इसके बारे में, पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो क्या करेंगे, लाइट स्कैटर नहीं करेंगे, लिख लो, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, अगली प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी में डिफरेंस आता है तीनों में, कौन सा स्कैटर करेगा और क्यों करेगा, पता लग गया ना, तो सॉल्यूशन के बारे में पता लगा, लाइट पास नहीं होगी, ठीक है,
लाइट विजिबल नहीं होगी, पार्टिकल छोटे स्कैटर क्या करेंगे, ठीक है रे, लिख लो इसको, क्या लिखवाया था एंड में, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, दे डू नॉट स्कैटर, स्कैटर नहीं करते, स्कैटरिंग नहीं होती, हाँ नहीं छोटे होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल, तो जब लाइट मारते हैं वो सॉल्यूशन में तो लाइट गायब हो जाती है लाइक दिस, उसमें बना हुआ एक डायग्राम देखो, उसमें दिख रहा है, उसमें येलो येलो पार्ट नहीं दिख रहा कॉपर सल्फेट वाले में, वो अगले वाले में दिखा रहा है, उसमें दो चीज, उसने दोनों एग्जाम्पल एक ही में दे दिए, वो सही बोल रहा है, वो अलग है लेकिन बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज Small particle size, they do not scatter beam of light passing through the solution. They do not scatter a beam of light passing through the solution. So, the path of light is not visible in the solution. Visible नहीं होगा? Do not visible in the solution. एक और कहानी, हाँ भाई क्या नाम है इसका, मनीष, अगर तुम नींबू पानी को छलनी से छानोगे क्या नींबू नींबू अलग हो जाएगा और पानी पानी अलग हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन से नहीं होता, नींबू के बीज अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से आप सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से फिल्टर, समझ आ रही है कि पार्टिकल्स तो आपस में मस्त तरीके से मिले हुए हैं, अलग अलग थोड़ी है कि भाई चलो तेल अलग कर दिया पानी अलग कर दिया, नो, लिख लो, वी कैन नॉट सेपरेट पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन, एक और कहानी बताओ, अगर नींबू पानी का मैंने जो टम्बलर है ये टम्बलर देखो इधर, मैंने आधे या एक घंटे के लिए छोड़ दिया तो क्या नींबू नींबू नीचे बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, पूरा नींबू नींबू आ गया, जब ज्यादा होता है लेकिन वो मिक्स रहता है तो कुछ नहीं बैठता, पानी वही वैसा है, सेम टू सेम ट्विस्ट टेस्ट एकदम, ठीक है, तो यानी सॉल्यूशन स्टेबल होती है, उसमें पीपीटी नहीं बनते, उसमें प्रेसिपिटेशन नहीं बनती, उसमें नीचे कोई नहीं बैठता, यानी सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल, क्या बोला, तो लिख लो कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट समझ आ रहे हरिवंश, सॉल्यूट मतलब क्या, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल, स्टेबल है, टूटी नहीं, अलग नहीं हुई, समझाया, नाइडिंग डालो अगली, सस्पेंशन, सस्पेंशन इसका एग्जांपल लिख लो ताकि समझ में आए ना, ऐसा रिमाइंड में रहता है, लिख लो सस्पेंशन में, लिखो सस्पेंशन ऑफ चॉक पाउडर कॉमा व्हीट फ्लोर, एग्जांपल है सस्पेंशन की, क्या होती है सस्पेंशन, चॉक पाउडर व्हीट फ्लोर, ये सस्पेंशन के, ठीक है भाई, चॉक पाउडर को मिलाते हो पानी में क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, ऐसे होमोजेनियस कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं हो, वहां पे थोड़ा ज्यादा मिलेगा यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा होता है, कभी नोटिस करना, मिट्टी को मिलाओ अलग अलग मिलेगी, समझ आ रही है, तो लिख लो कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, In which solute particle do not dissolve, dissolve नहीं होते, suspended हो जाते हैं, उसमें बीच बीच में दिखते हैं, मतलब suspend हो जाते हैं, ठीक है, बीच बीच में रह जाते हैं, do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium, but remain suspended, ये chapter बहुत important है CDS के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, थ्रू आउट द मीडियम,
bulk of medium. Suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium. ठीक है भाई, चौक पाउडर दिखता है पानी में साफ साफ, यानी क्या है, इट कैन, लिख लो प्रॉपर्टीज, लिख लो प्रॉपर्टी, लिखो इसकी, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, दिखता है ना नॉर्मल से, प्रॉपर्टी है इसकी, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सीन बाय नेकेड आई, और जब आप आंखों से देख सकते हो तो लाइट भी देख सकती है, नॉर्मल सी बात है, तो यानी हम लाइट मारेंगे तो लाइट का पाथ विजिबल होगा, पार्टिकल्स बड़े हैं, लिख लो इसको, कि द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ्स विजिबल, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल. अगली प्रॉपर्टी, यह चौक पाउडर सॉल्यूशन है, इसको जब अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, ठीक है, आपने इसको एक आधे घंटे छोड़ दिया, चौक नीचे आ जाती है, देखा होगा, जब आपने उस जार में चौक पाउडर को नीचे छोड़ दिया या वीट फ्लोर जो मिलाया था उसको छोड़ दिया, तो वीट वीट या फिर चौक पाउडर नीचे इकट्ठा हो जाता है और ये क्लियर मामला हो जाता है, ऊपर पानी पानी रह जाता है, दिखता है, तो अब यानी क्या हुआ, ये तो भैया सस्पेंशन अनस्टेबल है, क्या है, और जैसे ही ये नीचे बैठेगा लाइट विजिबल नहीं होगी फिर, क्योंकि लाइट तो इसी वजह से विजिबल थी, ये नीचे बैठ गया, समझ आ रहा है, तो ये कहानी होती है, लिख लो, सस्पेंशन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड द पार्टिकल सेटल डाउन देयरफॉर इट इज अनस्टेबल एंड डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट आफ्टर दैट इज अनस्टेबल एंड डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट आफ्टर दैट, समझ आ रही है, जैसे ही वो बैठेगा, लेकिन वैसे बोलेगा, क्वेश्चन आएगा सस्पेंशन स्कैटर करती है लाइट, बोला यस करती है, लेकिन जैसे ही वो अनस्टेबल हुई क्या वो करेगी, नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन क्या अनस्टेबल के बाद उनको फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, समझ आ रहा है, फिल्ट्रेशन कैन बी हैपन, पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ऐसे लिख लो, एक ही बात. अब है कोलोइडल सॉल्यूशन, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये जो तीन है प्रॉपर्टी समझ आ रही है, क्वेश्चन इसी बनते हैं, तीसरा इज कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल मिल्क, वेरी गुड, इसका एग्जांपल है मिल्क और इंक, मिल्क या फिर इंक, लिख लो इसका आरएमवी, कोलोइडल, कोलोइड इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर कैसा होता है, हेटरोजीनियस, आज पता लग रहा है, बताओ हैं, क्या मिल्क के पार्टिकल दिखते हैं, नहीं दिखते, जैसे पानी होता वैसे ही तो है नॉर्मल, तो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं दिखते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि लाइट बीम को स्कैटर कर सकें, ठीक है, इतने भी छोटे नहीं होते, तो दे आर स्मॉल इनफ दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज बट लार्ज इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मीडियम वाला पार्ट आ गया ना, एक ने करी एक ने नहीं करी, एक बीच वाला, सिंपल सी बात, तो लिख लो, हेटरोजीनियस क्यों है, लाइट स्कैटर कर रहे हैं, होमोजेनियस नहीं है, इक्वली मिक्स भी तो हो रहा है, इनको फिल्टर कर सकते हो तुम, फिल्टर कैसे करोगे, इसका एक मामला आता है, क्या मामला आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, देखा है, चर्निंग करते हैं आप, पार्टिकल सेपरेट, फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड क्रीम निकाल लेते हैं, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, समझा रही है, उनको सेपरेट कर सकते हैं, आपका और भी इंक को कैसे सेपरेट करें, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी हेट्रोजीनियस इसलिए है क्योंकि वो फिल्टर हो जाते हैं, ओके, सॉल्यूशन में फिल्टर नहीं होता मामला, और फिल्टर का कितना टेक्निक बता दी मैंने,
बाय दिस सेंट्रीफ्यूगेशन एज वेल एज क्रोमेटोग्राफी. लाइक अलग अलग मटेरियल्स का मिक्सचर होता है, उसको हम अलग अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, राइट. तो ये कहानी है. तो इसमें लिखो कि भाई आपका लिखो इस कार में कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेटरोजेनियस मिक्सचर. लिख लिया. इसमें लिखो द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल. तो इसके लिए स्पेशल टेक्निक यूज होती है. चलने से छानोगे नहीं छनेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन से छानोगे चल जाएगा, ठीक है. तो लिख लो इसमें कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल, TOO, टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई. नहीं देख पाएंगे. टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई. स्मॉल इतने होते हैं कि आंखों से नहीं दिख पाते हैं. लेकिन बड़े इतने होते हैं कि लाइट स्कैटर कर देंगे. तो लिख लो कोलोइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल अगली प्रॉपर्टी दे डू नॉट सेटल डाउन अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे. सेटल मिल्क तो वैसे वैसे रहेगा चाहे कितनी भी देर तक रखो. दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलाइड इज स्टेबल. दे डू नॉट सेटल डाउन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. भैया हाँ मलाई ऊपर नीचे जा रही है तो पार्टिकल्स हैं उसके नीचे थोड़ी आया. सेटल डाउन तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं. कहाँ हुआ? ऊपर आ रही है. नीचे कहाँ दिखा? नीचे कुछ दिखा? नीचे आना चाहिए. प्रेसिपिटेशन बन जाना चाहिए, मामला अलग अलग हो जाना चाहिए. वो मिल्क का ही पार्ट है, ठीक है. तो देख लो द कोलाइड्स आर क्वाइट मलाई तो ठंडा होने के बाद आती है ना स्टेबल. तो वो ठंडा हो रहा है तभी तो, ठीक है. तो ये कहानी है. अबे मलाई आना और ना आना इससे उससे मतलब नहीं है. मतलब ये है जो मिक्सर के पार्टिकल वो अलग अलग हो जाए. अलग नहीं होता. दूध तो दूध रहता है नॉर्मल. दूध का पानी अलग थोड़ी हो जाता है. मिल्क और वाटर अलग होता है नहीं होता. बेसिकली क्रीम का मिक्सर इज द क्रीम मिक्सर विद वाटर इज कॉल्ड मिल्क. बेसिकली मिल्क पाउडर देखा होगा, पानी मिला तो दूध बन जाता है मस्त एकदम, बच्चों को पिलाते हैं, ठीक है. लिख लो अ स्पेशल टेक्निक कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. पता था मुझे, पढ़ लिया था यहाँ से. लिखो स्पेशल टेक्निक. ले लो स्पेशल टेक्निक कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन. जो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है बताएंगे, इन सारी टेक्निक के बारे में बताएंगे अभी इसी चैप्टर में बताएंगे. सेंट्रीफ्यूगेशन घुमा घुमा के बेसिकली मामले को सेपरेट करना, ओके. तो ये तीन मामले हैं भाई जिसमें से क्वेश्चन आता है. इस चैप्टर में से आधा क्वेश्चन अगर आएगा चैप्टर में, लाइक क्वेश्चन आता है CDS में सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आया तो दो पार्ट से जायज रहता है. एक तो इस पार्ट से कि ये भाई सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. एक आता है मैथड ऑफ सेपरेशन से कि कौन कौन से मैथड यूज होते हैं सेपरेट करने के लिए चीज़ों को, ठीक है, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहला है लिख लो, मेन कराता हूँ. सेंट्रीफ्यूगेशन ही लिखो. सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने अभी बोला कि जब सॉलिड पार्टिकल्स यानी क्रीम होता है ना बेसिकली मिल्क में, जब सॉलिड पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसे सस्पेंड करें. जैसे क्रीम फ्रॉम मिल्क है ना, कैसे सस्पेंड करें उसको सेंट्रीफ्यूगल मोशन कर लाते हैं, उसमें चर्निंग करते हैं, घुमाते हैं, ओके. देखा होगा मम्मी करती हैं घर में, घुमाया. तो घुमाने से क्या होता है भाई, आपका डेंसिटी चेंज हो जाती है. जो डेंसर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, ऊपर आता है,
उल्टा बताया सीधा बताया? डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी क्या होगा, ऊपर आएगा है? ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन, जो आपका सेपरेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन जो हो रहा है इस पे काम करता है, राइट। ये किसके लिए काम आता है, देखो रे आपका ये काम आता है कहां कहां पे काम आता है। एक तो ये सेपरेटिंग मिल्क क्रीम फॉर मिल्क, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो करवाते हो आप उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मोशन ही लाते हैं वो लोग, ठीक है। थर्ड थिंग वॉशिंग मशीन, बहुत बार क्वेश्चन आया इस पे तो कि वॉशिंग मशीन में कौन सा प्रोसेस, देखा कपड़े घूमते हैं है अगर वॉशिंग मशीन भाई अमीर लोग हैं, कौन से कंपनी के एलजी, एलजी के, एलजी फुल फॉर्म पता था ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसमें, फिर ठीक है लिख लो, फिर लिख लो द प्रिंसिपल इज दैट, द प्रिंसिपल इज दैट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, द प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल वर्क करती है, द प्रिंसिपल इज दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड लार्जर पार्टिकल्स एंड लाइटर सॉरी लाइटर पार्टिकल्स एंड लाइटर यानी हल्के पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप ऊपर आते हैं व्हेन स्पन रैपिडली, जब तेज़ घुमाते हैं उनको। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पहले होती यूज होती है लिख लो, यूज इन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, जब ब्लड डोनेट करके आते हो ना तो वहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं वो लोग। सेकंड सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम कॉमा क्रीम फ्रॉम मिल्क। थर्ड यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, ठीक है रे। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी यार जो डाई होती है ना आपकी डाई इंक वाली डाई, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, उन कलर्स को सेपरेट कैसे करते हैं देखो, तुमने अगर किसी ने करा होगा तो देख लेना, जिसने नहीं करा बताता हूँ कैसे करवाते हैं इस टेस्ट को। आप ही केमिस्ट्री लैब में करवाते हैं, बड़ा नॉर्मल सा टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, क्रोमेटोग्राफी करवा दिया बच्चों से, अब बम थोड़ी बनवाएंगे केमिस्ट्री लैब में ले जाके। चलो बेटा इंकलाब जिंदाबाद शुरू हो जाओ, ठीक है। होता क्या है, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, क्या लेते हैं फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर ले लिया ठीक है, उस पर क्या करते हैं फिर एक लाइन खींचते हैं पेंसिल से और एक कलरिंग, जैसे इसी की, जैसे इसी की भी लगा दूंगा ना ऐसे एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है भाई। तो बेसिकली इसको तुम ऐसे भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, तो ब्लैक से बना देता ताकि पता लग जाए कि पेंसिल से ही बना हुआ है, ठीक है। तो पेंसिल से एक लाइन बना दी लगभग यहां पे और एक कलरिंग कर दी, राइट। इसको फिर एक जार में रखते हैं, किस में रखा, एक जार में रखते हैं, और उस जार में पानी कहां तक होता है, यहां तक, समझाया। तो पानी में इतना सा डुबाते हैं इसको, समझ आ गई, और इसको छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब फिर थोड़ी देर के लिए, यहां पे एक डंडी वंडी या फिर कुछ स्टेपल कर देते हैं इसको ताकि नीचे ना गिरे, ओके। क्या होता है ये फिल्टर पेपर, क्या है ये फिल्टर पेपर, और ये है बेसिकली स्केच कलर की इंक या फिर फाउंटेन पेन की इंक, है ना, स्केच कलर मान सकते हैं इसको। क्या प्रोसेस हो रहा है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा होता है बेसिकली कलर, क्या होता है कलर, तो कलर के सेपरेशन को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। डिस्कवर्ड बाय मिखेल तिस्वित, MIKHAIL, थ्री डेज में आया हुआ है ये, TSVET तस्वित, रशियन थे भाई साहब ये, रशियन साइंटिस्ट, इन्होंने डिस्कवर करी थी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सुन लो क्या होता है, देखो विद टाइम, मैंने बताया आधे घंटे के लिए, सपोज आधे घंटे के लिए छोड़ दी, तो उसमें ना ऐसा ऐसा मामला बनता है, देखो ऐसा ऐसा
ऐसे ऐसे कलरिंग आती है, देखिए किसी ने ऐसे क्यों, ऐसे इसलिए कि हर एक कलर की सॉल्युबिलिटी, पानी में घुलने की क्षमता अलग अलग होती है। जो पानी में ज्यादा घुलता है वो पानी के साथ ऊपर ज्यादा चला जाता है, समझ आ रही, दिख रहा है, और जो पानी में सबसे कम घुलेगा वो पानी से पास कम रहेगा नीचे, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे पानी ना इसके ऊपर चढ़ता है, पानी चढ़ता है तो पानी अपने साथ क्या होता है रंग को ले जाता है, क्योंकि मैंने बताया अ डाई इज मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स, तो पानी अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कलर को ऊपर हाइट तक ले जाएगा, जिसमें कि आपको अलग अलग लेयरिंग दिखेंगी, साफ साफ लेयरिंग दिखती है। फिर ओपन फोन एंड सी क्रोमेटोग्राफी लिखो और इमेजेस देखो, उसकी दिख जाएंगी साफ साफ लेयरिंग दिखती है। क्रोमेटोग्राफी द प्रोसेस ऑफ, लिख लो, सॉरी ये मत लिखो, अलग से लिखो, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ, यहां तक लिख लिया, दो सॉल्यूट्स यूज्ड टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, सारे सारे कलर एक ही पानी में घुले ना, एग्जाम्पल से एप्लीकेशन लिख लो, यूज इन डाई, डाई में पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग फ्रॉम ब्लड्स, तो ये सब है, ठीक है रे। ड्रग फ्रॉम ब्लड्स, फ्रॉम ब्लड, देखो दो तरह के चेंज होते हैं, लिख लो, देर इज टू टाइप्स ऑफ चेंज, अलग से एक टॉपिक एंड अदर टॉपिक, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए तो फिजिकल चेंज बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए तो केमिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। देखो इधर क्या नाम है इसका, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, कैमरे में बोल देते हैं हमें भी ले लो, आईएसआई नहीं ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्या है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें आर लिख लो, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज आएगा उसे फिजिकल चेंज कहेंगे, सिंपल सी बात आ गई समझ में। अगर देखो रे नॉर्मल सी बात देखो, वाटर है राइट, H2O है, अब चाहे वो आइस है तो H2O ही रहेगा ना, चाहे वो वाटर है लिक्विड फॉर्म में तब भी H2O रहेगा, चाहे वो वेपर है वाटर का तब भी तो H2O रहेगा, तो केमिकली तो सेम है लेकिन क्या चेंज हो रही है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, देयर इज अ लिक्विड एंड देयर इज सॉलिड एंड देयर इज वेपर स्टेट, स्टेट चेंज हो रही है, इट्स अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन हो जाए, अरे स्मेल बदल जाए, एक प्रॉपर्टी ही बदल जाए उसकी केमिकल, नया बंदा ही चेंज आ जाए, नया बंदा केमिकल में कंपलसरी होगा, फिजिकल में समझ रहे हो, फिजिकल में लाइक कलर, कलर का मैं कैसे बताऊं इसमें एग्जांपल, क्या है कलर की प्रॉपर्टी लिखवाई केमिकल में कलर चेंज, नहीं बताता हूं क्यों, कुछ कुछ जो ओर्स होती हैं, ठीक है, कुछ कुछ जो ओर्स होती हैं वो जब सॉलिड फॉर्म में होती हैं उनका कलर अलग होता है, और जब उनको पीस देते हैं, तोड़ देते हैं, क्रश कर देते हैं, उनका पाउडर अलग फॉर्म का आता है। क्या चीज है, कुछ जो ओर्स होते हैं ना हमारे, जैसे मेटलिक ओर्स, आयरन ऑक्साइड वगैरह, जो कोचा हमने खोदा पहाड़ को, हम मेटल निकाल रहे हैं, जो ओर्स हैं
ये ज्योग्राफी वाले चैप्टर में साफ साफ दिया है उसमें, यस 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 दिस वन वेरी गुड, रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो वो वाला कलर चेंज की बात कर रहे हैं इसमें, केमिकल में तो अपना जो केमिकल चेंज जैसे कलर है वो अलग चीज है, समझ आ रहा है। तो ये कहानी है केमिकल में क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या है, जब प्रॉपर्टी ही बदल जाए, जो इंसान पहले था विकसित हो गया अलग, पिकाचू से रायचू, केमिकल चेंज हो गया। जैसे मिल्क, अरे सुन लो, जैसे मिल्क से कर्ड बन जाए, समझ आ रही है जैसे मिल्क से कर्ड बन जाए, इस केमिकल चेंज प्रॉपर्टी चेंज हो गई, एकदम बदल गया मामला, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है इसमें। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, स्मेल बदल जाती है, ठीक है, ओडोर बदल जाती है। लिख लो इसको कि केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। जैसे एवापोरेशन में क्या हुआ, बस वो मामला चेंज हुआ, लिक्विड से वेपर, वाटर तो वाटर है, लेकिन बर्निंग, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल, बर्निंग, राख बन जाती है, आपने वुड को बर्न किया, वुड की प्रॉपर्टी किसमें, चारकोल में कन्वर्ट हो गई, राख बन गई। अरे तो ये कहानी, जैसे मिल्क टू कर्ड केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये जो मेटल और नॉन मेटल है, उसको 10th में कराऊंगा इसका। एक आ जाओ, अगला चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो रे क्या हुआ, मैंने बताया, ओए देखो इधर, ऑल द पार्टिकल्स आर लाइक ऑल द सब्सटेंस मेड अप ऑफ मैटर, लेकिन आने वाले साइंटिस्ट बोले मैटर भी बहुत सारे सब्सटेंस से बनता है, उसे कहते हैं मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम। ये कौन बोले, डेल्टन साहब बोले कि हाँ आई सपोर्ट दिस थ्योरी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम से नीचे कुछ भी नहीं है, क्या, एटम से नीचे कुछ भी नहीं है, इसे सीखनी चाहिए मिलती है, पता है, एटम इज इंडिविजिबल, ऐसा उन्होंने बोल दिया, लोगों ने मान भी लिया, लेकिन आने वाले टाइम में ये गलत प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे चेंज आता है ना, तो एक्सेप्ट दैट चेंज, यू शुड बी ओपन इनफ दैट यू शुड एक्सेप्ट द चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर ना करते तो लोग तो आज प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं आते, आने वाले टाइम में क्या पता उनसे भी छोटे आ जाए, नोबडी नोस, राइट। तो ये वाली कहानी है, तो लिख लो, तो ये सब ये कहानी आई एटम्स की, ठीक है। आपकी डेल्टा एटॉमिक थ्योरी आएगी, अभी बता दूं क्यों आएगी, एंड देन इसके बाद आपके जो आएंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम क्या है, एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ऐसा बोला, ठीक है। देयर आर टू लॉज, लिखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नंबर वन लिखो, इसके दो लॉ थे, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इसमें दो है, नंबर वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो रे यहां पे, अगर मैं कहता हूं लुक एट हियर, 2H2+O2 गिव्स आउट 2H2O, समझ आ रही है। तो देखो यहां पे H कितने हैं, यहां पे कितने हो गए, यहां पे वो कितने हैं, यहां पे कितने हो गए, समझो सी बात। तो यानी अगर A प्लस B करूंगा तो C जो आएगा उसका मास इन दोनों के मास के बराबर होगा, ये लॉ ये कहता है। इन एनी केमिकल रिएक्शन मास विल ऑलवेज बी कंजर्व, समझाया। सेकेंड लॉ है आपका इसका, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ
कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, ये क्या कहता है? इन अ केमिकल सब्सटेंस, इन अ केमिकल इट स्टेट दैट, इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन definite proportions by mass, definite proportion by mass. तो क्या कहने का मतलब है इसका? तो बेटे ये देखो, अगर मैं H2O देखता हूँ, H2O वाटर है, कितने हो गए इसका मास, क्या हो गया लगभग, हाइड्रोजन में कितना होता है, तो 1 into 2, 2, ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो डिवाइड करो 1:8, तो यही प्रोपोर्शन रहेगी मेरे से वाटर की, चाहे उसमें कितने ही मॉलिक्यूल आ जाएं, जैसे अगर जैसे 2H2 है, यहाँ पे कितने हो गए 2H2 और 2O2 है ना, तो कितना मास मास हो गया इसका 4, और O2 कितना हो गया 32, तो 8 4 1 जा 4 8 जा आ गया 1:8, तो नंबरिंग कितनी भी बदल जाए, मॉलिक्यूल जो होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो उनका कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ही रहेगा, वो नहीं बदल सकते. अगर साइज अगर प्रोपोर्शन बदल गया तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. जैसे O2 मतलब ऑक्सीजन और O3 मतलब क्या होगा, समझ आ रही कहानी? तो दिस इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. इट वॉज गिवन बाय प्राउस्ट, जोसेफ एल प्राउस्ट. नहीं, सेकेंड वाला जो है, इट वॉज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट, और फर्स्ट वाला मैं लिखवाना भूल गया, एंटोइन एल लवाइजर. जोसेफ एल प्राउस्ट, PROUST, पहले पेज में लिखा हुआ है, पहला पेज खोलो, टॉप राइट देखो, देखा, जोसेफ एल प्राउस्ट एंड एंटोइन एल लवाइजर. एंटोइन लवाइजर ने पहला वाला दिया, जोसेफ एल प्राउस्ट ने सेकंड वाला दिया. समझ आ गई कहानी? अब एक कहानी और सुन लो. हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, लिख लो, कौन है फादर ऑफ ज्योग्राफी? Eratosthenes, he coined the geography. लिखो इसमें, Antoine and Lavoisier is father of modern chemistry. ये जो है आपके, यही वाले, ये वाला इंसान, Lavoisier is father of modern chemistry. ठीक है, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए डेल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी, बोली कि सारे के सारे मैटर एटम से बने होते हैं. डेल्टन ने ये बोल दिया, ठीक है, उसे डेल्टा एटॉमिक थ्योरी बोला. अब जब ये वाली कहानी हो गई, बात आई स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, कि एटम बोल दिया, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक है, आने वाले टाइम में पता लगा कि भाई एटम जो है, मैंने बताया जैसे यहां पे, जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर हो गए थे, लाइक प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था 1886 में, ये 1900 में, और ये शायद 1931, लेट मी चेक, न्यूट्रॉन 1932, कमाल हो गया. ठीक है, ये क्रोनोलॉजी भी आती है, सबसे पहले क्या आया, प्रोटॉन, फिर क्या आया, इलेक्ट्रॉन, फिर आया न्यूट्रॉन. याद करने तरीका, पेन, PEN, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन. ठीक है, तो ये मामला आया. तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, तो लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि भाई एटम जो है वो ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजिबल नहीं है, वो है इंडिविजिबल, लाइक वो मतलब डिविजिबल है. समझ आ रही है? तो भाई उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आया कि फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, कैसे उसका शेप होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कहां पे न्यूक्लियस होगा, कहां पे क्या होगा, कहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कहां पे नेगेटिव होगा, राइट? लोगों के दिमाग में आया, तो लोगों ने स्ट्रक्चर बनाने शुरू करे एटम्स के. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर CDS एग्जाम, कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, किसके, हाँ लिखवा रहा हूँ. ठीक है, तो लिख लो, वेरी गुड, ये लिख लो, फटाक से लिख लो कि एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन एंड इलेक्ट्रॉन. एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी काट दो, इलेक्ट्रॉन करो पहले, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तुम ही बताओ, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? क्या, गोल्डबर्ग?
देखो प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन. प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन. न्यूट्रॉन किसने करे? चैडविक. क्या? चैडविक. जे चैडविक डिस्कवर्ड. जे चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन. गुड. पता ही था आपने. लिख लो पहले. ई गोल्डस्टीन 1886. CHADWICK. हाँ भाई क्या कहते हैं उसको? स्ट्रक्चर लिखा है सारा का सारा मामला. 1886 प्रोटॉन, 1900 इलेक्ट्रॉन, 1932 न्यूट्रॉन. देखो भाई हुआ क्या. स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग भी है. थॉम्सन पहला मॉडल क्या है? थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम. क्या है भाई? जे जे थॉम्सन वही वाला बंदा है. थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम. ये क्या बोलते हैं कि एटम जो दिखता है वो कुछ इस तरीके दिखता है. क्रिसमस पडिंग. क्या? क्रिसमस पडिंग जो केक होता है उसमें जो आपके वो है क्या कहते हैं? चेरी. बोला कि देखो जब इसने थॉम्सन ने दिया था ना ये मामला उस टाइम क्या हुआ था? न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे. क्या नहीं हुए थे? ठीक है तो उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से नाम दे दिया था बस. तो बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है क्या जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका पडिंग है. बोलता है पॉजिटिव चार्ज इज पडिंग जिसमें कहीं कहीं पे बीच बीच में क्या है नेगेटिव चार्ज जो कि क्या है आपके क्यूरेंट्स. क्यूरेंट मतलब जो वही ड्राई फ्रूट्स. क्यूरेंट्स आर नेगेटिव चार्ज एंड दिस पडिंग जैसे वाटरमेलन होता है देखा है उसमें जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज एंड जो लाल वाला पार्ट है दैट इज पॉजिटिव चार्ज. समझ आ गया? ऐसा थॉम्सन ने बोला. थॉम्सन ऐसा बोल के बोलता है देखो मैंने बना दिया ना एटम स्टेबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल. ठीक है थॉम्सन बोल के निकल गए. बट उन्होंने स्टेबिलिटी तो दी. स्टेबल है एटम का एकदम स्ट्रक्चर का एकदम स्टेबल है. बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में. आने वाले साइंटिस्ट ने जैसे कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है. तो इसलिए फिर इनका एटम को माना नहीं गया क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे दिया था. सबसे मेजर स्ट्रक्चर जो है वो रदरफोर्ड का है. अभी करवाएंगे तो लिख लो इस पे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम. बना लो इसको. बना लिया इसमें लिख लो थॉम्सन प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम. थॉम्सन प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एन एटम लाइक अ क्रिसमस पडिंग. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. देखो भाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड बहुत बड़े अच्छे बंदे थे यार. बहुत बढ़िया बंदे बहुत लॉजिकल बंदे थे. उनको जो है मतलब मॉडल ऑफ एटम देने से पहले उनको ये था कि मैं जो भी दूंगा बढ़िया दूंगा. ठीक है तो उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक का यूज किया और क्या करा उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली. क्या ली? ठीक है अराउंड 1000 एटम अल्फा पार्टिकल हैवी थे 12000. यही कहानी है इसकी. यही कहानी है. हजार एटम डबल ही चार्ज. ठीक है क्या हुआ? रदरफोर्ड बोला चलो ठीक है हम देखते हैं उसमें क्या मिलेगा मुझे. उसने क्या करा देखो क्या होता है ना एटम एटम एक छोटे से पेपर पे मिलियंस ऑफ एटम मिलेंगे तुम्हें इसमें मिलियंस ऑफ एटम यू कैन नॉट काउंट वेरी स्मॉल. ठीक है तो उसने क्या करा आपके रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली. गोल्ड फॉइल क्यों? ऐसा मेटल है वो बहुत मस्त मैलेबल है. उसको बहुत एकदम मस्त शीट में कन्वर्ट कर बहुत पतली शीट बना सकते हैं उसकी. देखा ना ठीक है जल रही बन जाती है मतलब पतली पतली मस्त मस्त. तो गोल्ड एटम गोल्ड एलिमेंट की उसने क्या करा गोल्ड फॉइल ली और फाइनली उसने उसको इतना पतला बना दिया कि उसमें लगभग कितने एटम थे बस 1000 एटम. कितने थे? 1000. उसने उसको ऐसे स्प्रेड कर लिया. ये एटम्स हैं ये जो गोल गोल हैं एटम्स हैं किसके? गोल्ड के. ठीक है गोल्ड फॉइल में जो एटम्स हैं ऐसे 1000 एटम थे लगभग. ओके इससे पहले किसका मॉडल आ गया था? थॉम्सन मॉडल.
तो उसमें उसको लगा कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, ऐसा करके जो भी उसने सोचा होगा, उसने सोचा था हाँ, उसने इधर एक तो गोल्ड फॉइल ली कितने हजार एटम थिक की, और क्या करा उसने, उसने बोला मैं क्या करूंगा इस एटम में से अल्फा पार्टिकल्स मारूंगा, क्या मारूंगा अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, हैवी पॉजिटिव, डबल ही चार्ज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तुम्हें इतना पता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इतना पता है नॉर्मल, ठीक है। तो इसको पता है एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, अब इसको ये पता करना है कहां पे क्या है, राइट, इसको ये पता करना है, स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो उसने क्या करा, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स मारे, रेज मारी उसकी एटम के फॉइल पे, उसको एक्सपेक्ट था कि भाई ठीक है मामला भारी है कि हैवी हैवी पार्टिकल्स हैं तो शायद पार हो जाए या थोड़े से डिफ्लेक्ट हो, थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो, लेकिन जब उसने पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से मारे, और ये लाइक एक दो मैंने एग्जांपल दिए, बहुत सारे मारे, बुक में देखो, बुक में देखो डायग्राम है, अगला पेज पलटो, दिख रहे हैं, तो व्हेन ही यूज्ड हिज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर बताओ 48, तो जब इसने यूज किया ये भाई, ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट, टोटली सरप्राइज्ड, क्या देखा इसने, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अल्फा जो उसने मारे वो सीधे के सीधे यहां पे डिटेक्ट हो गए, मोस्ट ऑफ देम, इसने 12,000 फेंके, 11,000 वापस, मतलब 11,000 पार, 12,000 में से 11,000 पार्टिकल पार हो रहे हैं, तो यानी क्या बता रहे, एटम तो खाली अंदर से, पॉजिटिव चार्ज तो बहुत कम है, राइट, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम घूम रहा है अंदर, और कैसे पता लगा कम घूम रहा है, इसने देखा देर आर सम अल्फा पार्टिकल्स विच गेट्स डिफ्लेक्टेड, हो रहे डिफ्लेक्ट, यानी कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, लेकिन इसको पता नहीं लगा कहां पे, देन ही रियलाइज्ड कि भाई आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल्स, वन आउट ऑफ 12,000, हाउ मेनी, वन आउट ऑफ 12,000 जैसी स्पीड में जा रहा है उसी लाइन और उसी स्पीड में वापस आ रहा है। इससे क्या पता लगा कि एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बोले तो यानी पॉजिटिव चार्ज, वो बहुत ही छोटी जगह पे है, एक ही वापस आ रहा है, बाकी तो छोटे एंगल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो 180 डिग्री वापस आ रहा है वो एक है, यानी पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी जगह पे है, समझाया। ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इसने क्या कंक्लूड करा, इसने कंक्लूड ये किया कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम लाइज इन सेंटर बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, सारा सारा वही, उसे कहते हैं न्यूक्लियस, क्या कहते हैं, तो इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर का फिजिक्स भी कहते हैं, ही इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ओके, न्यूक्लियर साइंटिस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने बोला अब इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इन्होंने बोला जो एटम है वो कुछ इस तरीके के हैं, न्यूक्लियस बीच में और उसके साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, समझ आ रही है, उसके साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, ऐसा उन्होंने मामला दिया। इन्होंने बोला क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल पार ही हो गए, निकल गए, तो एटम बीच में खाली है, बीच में कुछ नहीं है, एटम के बीच में खाली मामला है सारा का सारा। लेकिन इसका ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था, बोला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तुम घुमा रहे हो उसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो एक टाइम आएगा वो कोलैप्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में आके घुस जाएगा, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है, क्या हमारी कॉपी अनस्टेबल है क्या, जैसी है वैसी की वैसी बनी है, ये तो न्यूट्रल है ना नॉर्मली, तो बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारी मेहनत किसकी थी, रदरफोर्ड की, बस एक पॉइंट बोल के नील बोर साहब क्रेडिट ले गए, अगला बंदा है नील बोर, नील बोर ने क्या बोला, बिल्कुल सही बोला रदरफोर्ड ने, ऐसा बोला, मैं कह रहा हूं रदरफोर्ड एकदम सही है, बस रदरफोर्ड जहां पे गलत है वो ये है, उसने बोला एटम के जो इलेक्ट्रॉन है घूमते तो हैं लेकिन वेल फिक्स्ड पॉइंट में, जो कि कोलैप्स नहीं हो सकते कभी, ठीक है, और क्या बोला, वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे, दे डू नॉट एक्सेलरेट एंड दे विल राउंड लाइक दे विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन अ डिफरेंट ऑर्बिट्स, और जैसे अपना अर्थ है ऑर्बिट में घूमती है, वेल डिफाइंड, ऐसे उन्होंने बोल दिया, इनको भी नोबेल प्राइज मिल गया, नील बोर, इतनी सी बात बोली। तो आज के टाइम में ये होता है मॉडल ऑफ एटम,
कि बीच में न्यूक्लियस, NUCLEUS न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं क्या, जब उस टाइम के बाद आपका न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, तो बताया गया न्यूक्लियस कैरी बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो मास होता है किसी भी एटम का मास वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को प्लस करके आता है, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके आसपास घूमते हैं। एक और बात क्या बोली, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसलिए एटम स्टेबल रहता है क्योंकि इक्वल चार्ज है, समझ आ रही है। लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, समझ आ रही है कि मास तो इलेक्ट्रॉन में थोड़ी है, मास कहां पे है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, समझ आ रही है। तो मास ज्यादा होता है, चार्ज सेम होता है दोनों में, क्लियर। तो लिख लो रदरफोर्ड के बारे में, थोड़ा सा लिखवाते हैं रदरफोर्ड के बारे में। देखो अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रपोज्ड ए न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। कैसा मॉडल दिया, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड फॉलोइंग फीचर्स, जिसमें ये कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है, नंबर वन लिखो, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम resides in the nucleus, resides in the nucleus. Second point, the electrons revolve around the nucleus in the circular path, the electrons revolve around the nucleus in the circular path. Third, the size of nucleus, कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट जो छुपा रखा है तुमने, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम, समझा गए भाई, साइज ऑफ एन एटम। अब आता है इसमें अगला जो मामला है, तीन चीज है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ठीक है। अब इसको सुन लो, चार हो गई, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, छोटी सी चीज है लेकिन आते हैं। देखो यार, हाँ भाई, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वन, मास, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे चले जाना। तो खैर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अब ये कुछ स्टार्टिंग है, एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आता है सीडीएस में, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। सपोज कोई भी एटम का नाम है वो लगता है कार्बन के बारे में लेते हैं, ठीक है, क्या, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, क्या डिनोट करते हैं, जेड से, पहली चीज। एक और चीज, 6 क्या है एक्चुअली, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इट इज द प्रोटॉन, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, समझ आ रही है, इसके पास कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, समझ आ रही है इतनी सी बात। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है बेसिकली इसका डबल, तो इट इज, मैंने बताया, इट इज व्हाट, यस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसका 12 है, तो यानी क्या पता लगा इससे, इसके प्रोटॉन 6 हैं तो न्यूट्रॉन में कितने होंगे, समझ आ गई। हाइड्रोजन इज द ओनली एटम विच डू नॉट हैव न्यूट्रॉन, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास नंबर भी क्या है, 1, समझ आ गई, प्रोटॉन तो होगा ही होगा, समझ आ रही है भाई। एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर इज एक्चुअली लाइक एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समझ आ गई भाई। अब आती है अगली कहानी, क्या कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्या
isotopes. Isotopes are element which have same atomic number, but एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. क्या मास नंबर डिफरेंट है, उसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक, सॉरी आइसोटोप्स. जैसे कार्बन के दो होते हैं, C12, C14, ठीक है. हाइड्रोजन के तीन होते हैं, लाइक क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है. आइसोटोप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, ठीक है. कार्बन ही तो है, तो ये आइसोटोप, समझ आ रही है. ये काम के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ये ड्यूटेरियम बॉम्ब बनाने के काम आता है, ठीक है. और कौन से तीन है, इनको लिख लो फटाक से, मतलब बता रहा हूँ क्या क्या लिखवा दूंगा. यूरेनियम 235 इज यूज एज न्यूक्लियर, यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है. कोबाल्ट 60 कहाँ पे यूज होता है? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. आयोडीन 131 यूज्ड इन गोएटर, ट्रीटमेंट ऑफ तो ये तीन आइसोटोप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं, ठीक है. आइसोटोप्स लिख लो, अब हेडिंग डाल लो फटाक से. आइसोटोप लिखवा रहा हूं, या फिर फटाफट लिखो, एक लाइन लिखो कि एटॉमिक नंबर ऑफ अ एटम इज, एटॉमिक नंबर ऑफ अ एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इट हैज. द एटॉमिक नंबर ऑफ अ एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इट हैज. इट इज डिनोटेड बाय जेड. जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, याद रखना. कभी कभी न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पर, ठीक है. क्या न्यूमेरिकल इस सेंस में आएंगे जो बताया अभी, जैसे ना 6, 6 से 12, 6 इज 10, समझ आ रही है. और न्यूट्रॉन अलग से पूछ लेगा, मास नंबर बता देगा, एक चीज गायब कर देगा बाकी पूछ लेगा, ओके. अब है गया आइसोटोप्स, सॉरी मास नंबर लिखो, माइस ऑन मास नंबर. मास ऑफ एन एटम इज because of proton and neutrons. Hydrogen atom do not has neutron, it has only proton. लिख लो इसमें, hydrogen is the only atom, एक ही है और किसी में नहीं ऐसा चीज. Hydrogen is the only atom which do not have neutron but has only protons. न्यूट्रॉन नहीं है तभी तो एक ही है उसका, वरना दो होता, समझ आ गया. आइसोटोप लिखो, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. Isotopes are defined as atoms of same element having same atomic number but different mass number. लिख लिया. और क्या property होती है? The chemical properties of isotope are similar. Similar होती है chemical properties. Chlorine है तो chlorine ही रहेगा. The chemical properties of isotope are similar but their physical properties are different. एग्जाम्पल लिख लो, तीन जो लिखवाए हैं फटाक से लिख लो, लिखवा देता हूं. आइसोटोप ऑफ यूरेनियम U235 लिख लो, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम U235 आता है क्वेश्चन, कौन सा वाला यूरेनियम? 235, 235 वाला. U235 इज यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इज यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. सेकेंड लिखो, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट CO60, isotope of cobalt CO60 is used in treatment of cancer. Third, isotope of iodine
iodine 131, isotope of iodine, is used in treatment of goiter. ये रहा, ये लिखा. Isobars उल्टा, mass number same है, atomic number different है. जैसे calcium and argon, ठीक है, examples क्या है? Calcium and argon. Calcium का आपके क्या होता है? 20, 40. आर्गन का क्या होगा? 18, 40. मास नंबर सेम है, ठीक है. ये कहानी होती है क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में गड़बड़ आती है. 18 उसके प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो 40 लाएगा मिला जुला के. तो लिख लो आइसोबार्स के बारे में. डेफिनेशन आती है सीधा. आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर. आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. ठीक है, सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स. ये केमिस्ट्री के आज के चार चैप्टर खत्म. कल से बायोलॉजी करवाएंगे, सेल करवाएंगे, कल बढ़िया अलग टॉपिक. Okay.